देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज। आगामी कुछ महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में राजनेताओं का दल बदलने का दौर भी अब लगातार जारी है। हालांकि इस मामले में इस बार भाजपा छोड़कर जाने वालों की संख्या काफी ज्यादा है, क्योंकि वर्ष 2020 में पूर्व जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, तब उनके साथ बड़ी संख्या में प्रदेश भर की कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया था, किंतु भाजपा में कांग्रेस नेताओं को वहां मान सम्मान नहीं मिला जिसकी वह अपेक्षा कर रहे थे। इसी कड़ी में इंदौर के विष्णुपुरी क्षेत्र के बंगला नंबर 166 सोमवार को पुनः उस समय चर्चा में आ गया जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हुए प्रमोद टंडन ने अपने बंगले के बाहर सड़क पर प्रेस वार्ता कर भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान एक प्रेस वार्ता में प्रमोद टंडन ने भाजपा पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए भाजपा छोड़ने का प्रमुख कारण बताया। प्रेस वार्ता में इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा, कार्यवाहक शहर अध्यक्ष विशाल गोलू अग्निहोत्री, कांग्रेस नेता गजेंद्र वर्मा एवं राजेश यादव भी उपस्थित रहे। टंडन के कांग्रेस में जाने के बाद सिंधिया के साथ अब कई अन्य नेता भी अतिशीघ्र भाजपा छोड़कर जा सकते हैं। कुछ तो वजह रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। देखिए 40 साल छात्र जीवन से लेके अभी तक ये बीच के 3-3.5 साल यदि हम भूल जाए तो मेरा पूरा राजनीतिक जीवन कांग्रेस विचारधारा के साथ गुजरा। उस समय एक भावात्मक लगाव सिंधिया जी के साथ था और वो एक निर्णय हुआ, लेकिन काल और परिस्थिति मनुष्य को सिखाती है। मैंने ऐसा महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी अत्याधिक अहंकार, घमंड और मनमाने तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने का, विपक्ष को दबाने का काम कर रही है और मैं थोड़ा मन से विद्रोही हूँ। फिर खुशी की बात यह है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, उनकी कथनी और करनी स्पष्ट है, झूठ घोषणाएं नहीं, यथार्थ में प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं। तो उनके निष्पक्ष से प्रेरित होकर फिर हमारे अध्यक्ष आदरणीय सुरजीत सिंह चड्डा जी, जो हमारे अध्यक्ष हैं, गोलू अग्निहोत्री जी जो कार्यवाहक, ये दोनों मेरे पास आए। इनसे मेरा व्यक्तिगत भाईचारा, मैं जहाँ भी रहता था इनसे दोनों से मेरा संपर्क था। इन दोनों ने मेरे ऊपर वीटो कर दिया कि भैया ये नहीं चलेगा, यदि अब आपके दो अध्यक्ष बन गए हैं तो आप हमें सहयोग करोगे। और हम तो संगठन के आदमी, अध्यक्षों की बात कौन डाल सकता है। एक प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ जी और शहर के दोनों, तो ये बेचारा प्रमोद टंडन सुबह का भूला शाम को घर आ गया। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज।